नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। खेल जगत की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे स्पोर्ट्स फटाफट में। आईपीएल में रीना की नई पारी शुरू, कमेंटेटर के रूप में आएंगे नजर। बोले धोनी भाई की टीम अच्छी, प्लेऑफ में करेगी क्वालिफाई। नंबर वन टेनिस प्लेयर बार्टी ने लिया चौंकाने वाला फैसला। 4 साल में 3 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली बार्टी ने टेनिस से लिया संन्यास। इसी साल जीता था ऑस्ट्रेलिया ओपन। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए बुरी खबर, पहला मैच मिस कर सकते हैं सूर्य कुमार यादव। एनसीए ने नहीं किया रिलीज। आईपीएल 2022 में इस बार बहुत कुछ नया, बायो बबल तोड़ने पर टीम को 1 करोड़ का जुर्माना। इसके अलावा 4 बार मिलेगा डीआरएस, वहीं 9 सीजन बाद कोहली नहीं होंगे कप्तान। पाकिस्तान क्रिकेटर निदा डार की फैन हुई दुनिया, 18 मैचों बाद टीम को दिलाई जीत। भाई और पिता से छुपकर खेलती थी क्रिकेट, अम्मी ने दिया था साथ। आईपीएल होस्टिंग में नजर आ सकती है मंदिरा और संजना, मेहंती लेंगर भी हो सकती है वापसी। जेसन रॉय पर ईसीबी की कार्रवाई, बल्लेबाज पर लगाया जुर्माना, 1 साल का बैन भी संभव। आईपीएल 2022 से पहले चेन्नई को लगा झटका, मोइन अली नहीं खेलेंगे पहला मैच, वीजा संबंधित परेशानी की वजह से नहीं होंगे मौजूद। आईपीएल टूर्नामेंट से पहले ही डेवाल्ड ब्रेसिंग ने नेट सेशन में दिखाई एबी डिविलियर्स की झलक, लगाए बेहतरीन शॉट्स। आकाश चोपड़ा ने की बड़ी भविष्यवाणी, कहा पंजाब किंग्स पहुंचेगी प्लेऑफ में, शिखर को बताया ऑरेंज कैप का दावेदार। फिलहाल स्पोर्ट्स फटाफट में इतना ही, आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।